हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के अभी 4:30 बजे और हम दोनों नहा धो के तैयार हो गए हैं, ठीक है। और सामान पैक कर लिए, ये देखो, ये बैग मेरे साथ जाना है और इसको हम क्लॉक रूम में रखेंगे हेलमेट का। और ये अपने जय भाई अजय तैयार हो चुके हैं और अभी यहाँ से निकल रहे हैं, तो मिलते हैं आपसे बीच में। अभी तो निकल रहे हैं दोस्तों क्लॉक रूम में सामान रख के, और हम भी निकलते हैं। चलिए जय, ये था अपना सुनील रेस्ट हाउस जहाँ पे हम रात रुके थे। तो एक भैया है, वो बोल रहे थे कि मैं इन्फॉर्मेशन लेनी हूँ, अभी तो कोई नहीं है, 4:30 हुए, तो वापसी में आते हुए आपसे बात करते हैं। और बाइक ये इधर लगा दी है, ये अपना इधर से आ रहे हैं और हमें जाना है इस साइड। चलिए मिलते हैं आपसे आगे, चलो लेते भोले बाबा जी का नाम और निकलते। जय भोले की, करा वीर बजरंगे हर हर महादेव। अभी मैंने ये पहन लिया, ठीक है, वरना निकल में भी ऊपर जा सकता था। अभी चहल पहल देखिए, बहुत है, काफी दूर आ चुके एक शॉट में। और ये देखिए लाइन चलनी शुरू हो गई है, देखते हैं धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे। इससे सोन प्रयाग पार्किंग तक आ गए, अभी या तो लाइन चलने की थी, चली तो अच्छी खासी चली। देखिए चलिए आगे पहुँचे, देते हैं रजिस्ट्रेशन चेक हो रहा है यहाँ पे। तो अभी रजिस्ट्रेशन चेक करवाते हैं और ऊपर चलते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन चेक करवाएंगे। तो दोस्तों मतलब रजिस्ट्रेशन चेक हो गया है और अब हम तैयारी कर रहे हैं कि टैक्सी पकड़ेंगे और बाबा के दर्शन करते हैं। चलिए ये देखिए भीड़ देखिए कितनी भीड़ देखिए दोस्तों, भीड़ अच्छी खासी है और चलते भी वो ऊपर दिख रहा है आपको, लोग पैदल ही जा रहे हैं। आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा कि आप आज का क्या स्टेटस है केदारनाथ यात्रा का, पैदल यात्रा का। ये मंदाकिनी नदी की आवाज़ सुन सकते हैं आप, और वहाँ वो ऊपर पैदल का रास्ता है, लोग पैदल जा रहे हैं। यहीं पे लैंडस्लाइड हुई थी, सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। नीचे बोला गया था यहाँ पे होटल या सीतापुर में, वो बोल रहे थे कि टैक्सी शुरू हो गई, बट यहाँ के जो हालात है देखकर लग रहा है कि कोई टैक्सी नहीं शुरू हुई, पैदल ही जाना पड़ेगा ऊपर गौरीकुंड तक। बाकी देखते हैं, ये देखिए रास्ता पूरा टूटा हुआ है और अभी ये बोला जा रहा है कि आगे से शटल मिलेगी, पर मुझे नहीं लगता शटल आगे भी जाने वाले में, बल अच्छी देखते हैं, वरना पैदल तो चल ही रहे हैं। शटल वटल तो नहीं है, पैदल ही चलना पड़ रहा है और पैदल का ही रास्ता है, शटल नहीं है अभी तक तो नहीं दिखी, और उम्मीद भी नहीं है कि आगे शटल भी होगा। देखिए सभी पैदल जा रहे हैं, यहीं से ये रास्ता है, आके ऐसे मुड़ जाता है और आगे चले जाता है, वही रास्ता है जहाँ से कैब चला करती थी गौरीकुंड तक। ये बिल्कुल टूट गया, और ये देखिए ये वही वाला रास्ता है जहाँ से ऊपर आना था, पर पुलिस वालों ने डाइवर्ट कर दिया। देखते हैं बाकी, अभी तो गौरीकुंड पहुँचेंगे, उसके बाद देखेंगे कितना टाइम और लगेगा। अभी हल्का फुल्का सांस तो आपको शुरू में ही चढ़ने लगते हैं, पर देखते हैं
रास्ते के हालात अभी खराब ही है। है आगे टैक्सी अभी जा रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा खा पीने के बाद पता चला कि यहाँ से टैक्सी भी जा रही है। वो देखते हैं आगे 50 मीटर पर बोले कि 50 मीटर पर टैक्सी लगी हुई है, तो देखते हैं आपको बताते हैं। सो यहाँ से टैक्सियाँ मिल रही है, जितने यात्री है उतनी टैक्सियाँ नहीं है, तो आपको वेट ही करना पड़ेगा शटल के लिए गोरखपुर तक जाने के लिए। लो ये शटल तो मिल गई, अब चलते हैं गोरखपुर। बड़ा बोल रहे उसे, चलो चलो। यहाँ से आगे पैदल ही जाना होगा, तो तकरीबन 500 मीटर पहले ही छोड़ देते हैं, तो उसके बाद आपको पैदल ही जाना होगा। चलिए हला देखो, अभी ये गौरीकुंड से टैक्सी आती है, ऊपर से पूरा का पूरा पहाड़ ही आया हुआ है। सोचिए वो अभी ऊपर उधर निकलना है, और देखिए चालना हो चुका है और यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ये है तो अभी वो वहाँ पे ऊपर जाना है, धीरे धीरे पहुँच ही जाएंगे। ये देखिए क्षति तो बहुत हुई थी, अभी सिर्फ यहाँ पर पूरी की प्रोडक्शन करके यात्रा दोबारा शुरू कर दी है। गंद देखिए कितना खिला रहा था, प्लास्टिक वगैरह। खा पी कर और अब निकल रहे हैं, भीड़ देखिए। और यहाँ से श्री केदारनाथ जी की यात्रा शुरू हो जाती है असली गौरीकुंड से। ये लीजिए, ये गौरीकुंड मंदिर है, उमापति महादेव। और ये श्री केदारनाथ जी के बारे में जानकारी है। सोए सोए, ये देखिए कितने आराम से सोए हुए हैं। महादेव, माँ पार्वती और ये कौन? पंडित माँ पार्वती का स्थान हुआ हिंदी लिखा हुआ पिंजरों के निर्मित कुछ तर्पण गोदान पिंडदान किया जाता है। ओके रश देखिए दोस्तों, भाई साइड करा रहे हैं, साइड हो तो हम भी हो जाए। तो गोरखपुर की मार्केट थी, यहाँ पे आप खाना पीना कपड़े वगैरह अगर नहीं जाए तो वो सब मिल जाएंगे। तो कुल मिला था आपको यहाँ जरूरत के लिए सभी चीज़ मिल जाएगी, शू कवर शू हर चीज़ मिल जाएगी। तो अभी देखिए नीचे ही रास्ता, अभी ज़्यादा ऊपर नहीं है।
चलिए आगे चलते हैं, अपडेट देता हूँ आपको। देखिए रास्ता तकरीबन ठीक करने लग रहे हैं, तो हालात धीरे धीरे ही सामान्य होंगे। इस तरह के व्यू आपको यहाँ देखने को मिलेंगे केदारनाथ जी। पीछे जो मेरे ये खच्चरों का प्रीपेड काउंटर है, आप यहाँ से खच्चर कर सकते हैं। घोड़ा तो नहीं होता, क्योंकि घोड़े की हाइट इतनी नहीं होती, घोड़ा अच्छा तगड़ा होता है। और ये देखिए लगी हुई है लाइनें, देखिए लिखा हुआ है माता जी का प्रमुख क्या शिव के नामों से भी एक पशुपति नाथ भी, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। चौड़ाई देखिए कितनी बढ़ रही है, वो ऊपर से झरना आ रहा है। और ये जय गाइस, सभी को हर हर महादेव। हर हर महादेव शुरू हो चुकी है, बहुत टफ लग रहा है अभी तो फिलहाल, बट स्टिल भोलेनाथ का नाम लेंगे, क्योंकि शंकर मेरा प्यारा, शंकर डमरू वाला, बोल शंकर भगवान की जय। टफ तो है नो डाउट, बट चलना तो पड़ेगा। भाई चलोगे थोड़ी में जिसका आता है जो मेहनत करता है भाई, मेहनत तो टफ है यहाँ पे, ऐसा तो नहीं है। खाली हाथ चढ़ना और सामान के साथ चढ़ना बहुत अंतर है। क्या मौसम है, सामने बादल, और वहाँ से जाके अब हमें सीधा वहाँ ऊपर जाना है कमरे के पास। थकान हो रही है, चलना तो है बाबा के पास भी जाना है, साथ साथ चल रहे आराम से चलेंगे। देखो मेरा तो समझ में आता है, उम्र हो गई तो आराम आराम से चलना है। जय की अभी उम्र नहीं है पर भार जरूर बढ़ गया पहले से, कोई नहीं ले जाऊंगा पैदल ही। घोड़ा बोला था, बारह साल पतले हो गए, बार बार बोला है कि घोड़ा करूं, मैं इसको ले करने नहीं दूंगा, पैदल ही ले जाऊंगा। तो अभी देख सकते हैं दोस्तों, यात्रा का जो मार्ग है वो पूरा ही क्षतिग्रस्त हो रखा है, और यहाँ पर काम चल ही रहा है, धीरे धीरे काम कर ही रहे हैं, और 10-12 दिन तक बहुत ठीक हो जाएगा यहाँ का मार्ग। ये देखिए, यस ये जबरदस्त है ना। रास्ते भी बनी रहे, देख सकते हैं काम चल ही रहा है रास्तों पर। ये देखिए नीचे, ये देखिए ऊपर से पत्थर गिरे, तीन शेड भी टूटे हुए। चीरवासा भैरव बाबा, जगह जगह पर अभी काम चल ही रहा है, काम थोड़ी थोड़ी दूरी पर देखा जा सकता है जो चल रहा है, जहाँ पे रास्ता टूट गया है। और ना आप एक मिनट भी खड़े होते हैं ना, बंदे आ जाते हैं, घोड़ा चाहिए घोड़ा चाहिए। ये देखिए व्यू, अभी 3.75 किलोमीटर हुआ है, अभी बहुत अच्छा बात है। ये देखिए लोग, सो दोस्तों जंगल चट्टी पहुंच चुके हैं, मतलब तकरीबन 4 किलोमीटर हो चुका है, और अब निकलेंगे हम रामबाड़ा के लिए। अगला जो पड़ाव है वो रामबाड़ा का, देखते हैं कब तक पहुँच पाते हैं। और ये देखिए ये पीछे जंगल चट्टी है, और वो देखिए वहाँ पर लैंडस्लाइड कैसे, वो वहाँ पर
चलिए चलते हैं। यहाँ पे पहले सीधा पुल हुआ करता था, यहाँ पे पहले पुल हुआ करता था इधर से उधर जाने पे, और ये लैंडस्लाइड हुआ है, अब ये नया रास्ता बनाया है ऐसे जाने का। ये देखिए लोकल बता रहे हैं, अब ब्रांच के पेड़ हुआ करते थे वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। ये देखिए रास्ता। हालात तो अभी भी थोड़े सामान्य हैं, पर इतने ठीक नहीं है जितने पहले थे। जगह जगह पर रस्ते टूटे हुए हैं, और क्या बताऊँ भीड़ इतनी है तो क्या होगा। ये देखिए नीचे, अब ये नीचे यहाँ से सब कचरा सीधा पानी के थ्रू गंगा जी में ही जा रहा है। सुंदरता सब ख़त्म होती जा रही है, सिवाय इसको केदारनाथ जी को सिर्फ कमर्शियल हब बना दिया है। तो दोस्तों घोड़ा करने जा रहे हैं, मेरी हालत हो गई है डन। हो सकता है कि मैं बड़ा घोड़ा करूं, और ये हमारे भाई है, इन्होंने बहुत प्यारी मैगी बना के खिलाई दोनों भाई ने, सो मैं ये वीडियो जरूर डालूंगा। पता नहीं ये काउंटर इनका होगा अगली बार या नहीं होगा, बट देख लो अच्छे से चेहरा भाइयों का मेरे। जब भी आओ तो भाइयों के पास बहुत रुकना जरूर, क्यों इनका बहुत प्यारा नेचर है, बहुत प्यार से बात करते हैं। सो एक बार हर हर महादेव तो बनता है भाई जी। जयकारा वीर बजेंगे, हर हर महादेव। सो दोस्तों चल तो बहुत आराम से रहे हैं और काफी लेट भी हो गए हैं, देखते हैं किस टाइम तक पहुंच पाते हैं। टाइम तो बहुत लगने वाला है। वो देखिए लैंडस्लाइड किस तरह से हुआ है। देखिए रामबाड़ा से 800 मीटर पहले यहाँ भी क्षति हुई है रास्ते को, और ये नया ब्रिज है जहाँ से लोग जा रहे हैं ऊपर, हम भी वहीं से चलते हैं देखते हैं। अभी तो वो ऊपर जाना है, देखते हैं किस टाइम पर पहुँच पाते हैं। रास्ता और रास्ते के हालात देखिए। पुल बन गया छोटा सा, अच्छा अभी वीडियो रिकॉर्ड हुआ मोबाइल कनेक्ट। तो ये रास्ता है जो अभी नया है, बना रखा है, ये पहले से ही बना हुआ है, ये पहले भी ओपन था। रामबाड़ा पर काम चालू है अभी, वहाँ पर काम चालू है अभी, काम कर रहे हैं बंदे। आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बंदे दिख रहे हैं, यहीं पर काम चालू है, ये यहाँ पे काम चालू है। यहाँ देखिए ये नया रास्ता है घोड़ों इंसानों के लिए, तो वहाँ से घूम के और ऊपर वहाँ से और सीधा ये लिंचोली पर जाएगा। शोर सुनिए, शोर मंदाकिनी नदी का, बोलते हैं लोग कलकल बहता पानी, ये कलकल नहीं, ये तो रुद्र रूप में बह रही है फिलहाल। ये देखिए ऊपर वाटरफॉल कहाँ से आ रहा है, ये पुराना रास्ता है इधर से, आगे दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पे क्षति हो रखी है। ये देखिए नया रास्ता भी अच्छा, ये काफ़ी पहले से बना हुआ है, ये नहीं अभी बना हुआ। लास्ट ईयर आए थे तब भी था, तो बस हम इस टाइम रामबाड़ा की तरफ से निकल गए, इसका हमने देखा नहीं।
चलिए आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। वो देखे रामवाड़ा पर काम चल रहा है, आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये भी भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है, ओके। सो रास्ते बहुत ही ज़्यादा खराब है यहाँ के, यहाँ पे ये सीन सबसे अच्छा लगता है। बारिश मौसम हो गया खराब, देखते हैं किस टाइम तक पहुँच पाते हैं। देखिए अभी धूप निकली हुई थी और अब बारिश का मौसम हो गया। मौसम देखिए धूप निकली हुई थी अब। सारे अपडेट देता हूँ आपको धीरे धीरे। ये छोटी लिंचोली है और अभी मैं बड़ी लिंचोली की तरफ निकल रहा हूँ जो तकरीबन 2 किलोमीटर है यहाँ से। ये देखिए सड़क क्या रास्ता है। केदार बाबा के रास्ते बारिश के बाद ऐसे होते हैं। जब आप यात्रा करते हैं तो आपको एक चीज़ का तो बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि जो सेफ है और खुद ही आपको आपकी रक्षा कर रहे हैं। ऐसे ही भोलेनाथ के जयकारे के साथ हम भी आगे बढ़ते चले गए।
कहर और का कहर। केदार बाबा जी की यात्रा है, ये है तो 21 किलोमीटर की, पर ये आपका जो बॉडी का जितना भी पार्ट है ना, सब निचोड़ के रख देती है। मतलब आपको अपने बारे में पता चलता है कि आप क्या हो। और एक बात तो करनी चाहिए साल में एक या दो, और मैं तो कहता हूँ कि 3 महीने में एक करनी चाहिए। अरे काफ़ी देर बाद थोड़ा सा ढलान देखिए, हालांकि ये एक मिठास की तरह है, आगे ऊंचाई और ज़बरदस्त है। रास्ता यात्रा के लिए मार्ग बिल्कुल टूटा फूटा पड़ा है। बारिश कंटिन्यू हो रही है और बारिश में ही चल रहा हूँ फिलहाल तो। देखिए दोस्तों, बारिश यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा मैं बैठा हूँ और खूब दबा कर बारिश हो रही है। तो दोस्तों, GoPro की बैटरी भी जाने वाली है और मोबाइल की बैटरी भी जाने वाली है, तो आपसे कल ही सुबह मुलाकात होगी। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, ले लीजिए बाबा के दर्शन कीजिए, आपको व्यू दिखाता हूँ। आज मौसम बड़ा साफ है और ये चारों तरफ का व्यू देखिए, भीड़ अच्छी खासी है अभी। हर महादेव के जयकारे से पूरा मंदिर गूंज रहा है, आपको पीछे आवाज भी आ रही होगी। अभी तो एक बार और दर्शन कर लीजिए। ये देखिए हमारे मंदिर, ये पिछला गेट है और मंदिर देख लीजिए। और ये हम जा रहे हैं भीमशिला पर दर्शन करने। ये है अपनी भीमशिला। ये जो रास्ता जा रहा है, जा रहा है शंकराचार्य की मूर्ति बनी हुई है वहाँ के लिए जा रहा है। चलिए चलते हैं, आपको शंकराचार्य जी के दर्शन कराता हूँ। ये है आदि शंकराचार्य जी की आदि। चलिए, हर हर महादेव बाबा। तो रात हमने पूजा करवाई थी तकरीबन 3 बजे के करीब मंदिर के अंदर, जैसे बोलते हैं ना, बस
बिल्कुल गर्भगृह में जाकर हमने पूजा करवाई थी और महादेव के दर्शन किए थे। वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि अलाउड नहीं है। ये देखिए नज़ारे देखिए, ये अपने जया भाई और हर हर महादेव। अभी शंकराचार्य की समाधि के दर्शन करके आए हैं और ये भीमशिला बिल्कुल मंदिर के पीछे और भैरव बाबा उधर है और ये आपका नज़ारा है केदारनाथ जी का। तो अभी चलने की तैयारी करते हैं, थकान हो रखी है तो देखते हैं कैसे जाते हैं। ये वो गुफा है जहाँ पर मोदी जी ने तपस्या की थी, यहाँ से काफ़ी दूर है, वहाँ पे पैदल ही जाया जा सकता है। और देखिए नंदी के मुख से पानी निकलता हो, पी सकते हैं, घर भी ले जा सकते हैं। ये देखिए कंस्ट्रक्शन किस तेजी से हो रही है, ये सारी दलदली जमीन है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो गवर्नमेंट ही करवा रही है। अगर कुछ आपदा वगैरह हो गई तो कौन जिम्मेवारी ले रहा है इसकी। तो वो दोस्तों वहाँ पे वो भैरव बाबा जी है। देखिए भैया अपनी तो हिम्मत अभी है नहीं कि वहाँ तक जा सकते, तो आपको जूम करके दर्शन करवा देते हैं। पर ये देखिए एक तरफ ये पानी कैसा था, ऊपर बारिश हो रही है, वो भी जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये रहे हमारे भैरव बाबा। और आइए आपको तो एक आधी फोटो तो खींचनी है भाई, चले यार। ये देखिए यहाँ ऊपर बारिश हो रही है और पानी देखिए कितनी तेजी से आ रहा है। देखिए जहाँ पर आप नाम लेते हो हर हर महादेव तो बुलबुले उठते हैं, अभी आपको दिखा दो। देखिए दोस्तों बुलबुले उठ रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो क्या हालचाल देख सकते हैं शक्ल पे, 12 बजे हुए, थकावट बहुत हो रखी, तो सोचा रूम पर जाकर ही वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो मैंने डाल दी जो लैंडस्लाइड हो रखा था यहाँ पे सोनप्रयाग से आगे आधा किलोमीटर, तो वहाँ पर लोग चार चार पाँच पाँच घंटे से रुके हुए थे, जैसे भी निराशा में आया। तो उसके बाद सारे जो यात्री है वो अपने अपने मंजिल की तरफ निकल गए। सो एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों, आज यह बोल लीजिए कि दुखी है कि वापसी में आते हुए मैंने घोड़ा की खच्चर किया है, तो दिल तो गवाही भी नहीं दे रहे, पर झूठ नहीं बोलूँगा कि हाँ किया है तो किया है, जाते हुए नहीं किया था आते हुए किया है। बाकी आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा कि ऐसी नौबत है। तो आज के लिए तो बस दोस्तों इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी फैमिली भी बड़ी हो सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।